बसमिल अकादमी स्टूडियो में आप सब आवा को खुश आपदी हमारे आज के मेहमान बहुत ही महत्व नरक़ शायर और मतर्जम जनाब डॉक्टर तहसीम फराकी साहब डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी आप बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपने मेरी इज़्ज़त बढ़ाई डॉक्टर साहब ने, 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 ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा उर्दू तक की तदरीस में बसर किया और इनकी जो शागीरदा है हमें तो ये शरफ आसंद हुआ कि हम इनसे बराज पढ़ते लेकिन ये जो इनकी शागीरदा वो बताते हैं कि ये बहुत ही बहुत ही शानदार बहुत ही उमदा उस्ताद रहे पढ़ाने के हवाले से भी और वैसे भी जो उनका एक जो ताल्लुक है उस्ताद और शागीरद के हवाले से तजन व तदीस के अलावा आपने मदम की यादव जी उनकी उनके नाजम भी रहे और जो आपके मैदान हैं जो कल कई मैदान है उनमें अवल दर्जा अव्वल तो आएगा आ, को तदरीन उसके बाद तनकिन के मैदान में भी आपने आ, के तहसीन काम किया और शायरी तो खैर आपका एक बड़ा दाम है आप हमारे जो क्योंकि जो बहुत अहम शायर हैं तो उनमें शुमार होते हैं एक पहलू जो अभी डॉक्टर साहब से बात करते हुए सामने आया वो आ, बच्चों के अदब के तराजम है वैसे तराजुम तो आपका एक मैदान है अपने बहुत ही शानदार तर्जन की है राशन की मैं भी किताब भी है लेकिन बच्चों के अदब को आपने फारसी से उर्दू में तर्जमा किया तो ये एक ऐसा पहलू जिस पर भी हम डॉक्टर से बात करेंगे डॉक्टर साहब बात शुरू करेंगे हम आपकी ज़िंदगी के जब शुरू के सफ़र से बचपन कहाँ गुजरा किताब से नफ़ से तनु कैसे बना और उसके बाद फिर तालीम और फिर आपकी जो पेशा वर् ये किस्सा इसके बाद फिर हम आपकी किताबों को जी जी आपसे बचपन से, से करे. <ligen करें> बहुत आसम साहब बहुत आपका शुक्रिया आपने ये मुझे इज़्ज़त दी मैं यहाँ हाज़िर हुआ बात यह है कि अल्लाह के, के फल से बचपन ही में सूरत हाल ऐसी रही कि हमें अच्छा माहौल मिला मेरे वालिद जो थे वो ख़ुद तदरीस के पेशे से वाबस्ता थे टीचर थे लिहाजा हमारे घर का माहौल जो था वो इलमी माहौल था और वो इलमी माहौल ऐसा था कि उसमें समझिए कि हमने अपने जिंदगी के आगाज़ ही में जब थोड़ा सा होश संभाला तो हमारे घर में जिन लोगों का नाम दिया जाता था जो अदब से मतलब थे उनमें फ़ारसी के कुछर का नाम दिया जाता था और उर्दू के कुछारा का नाम लिया जाता था चुनाचे मसन रूमी से रूमी के नाम से और शादी के नाम से जो आपको मालूम है कि फारसी के बड़े जयद नाम है बड़े नाम हैं उनसे हमारा तारफ जो है वो और उसके साथ साथ इकबाल के साथ यानी मेरे वालद को फारसी अदब से तो लगाव था ही लेकिन इकबाल के तो वो आशिक थे लिहाजा कलाम में इकबाल जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ और मेरी आवाज़ भी अच्छी थी तो मेरे वालद ने मुझे इकबाल की वाल जबीर की दो चार गज़लें याद करवाई और कहा कि इनको याद करो और मुझे तरन्नम के साथ सुनाया करो तो मैं ये भी उस ज़माने में वो फिर स्कूल में भी मैं तरन्न से चीज़ें सुनाता रहा लेकिन फिर एक मरहला ऐसा आया हाँ जब मैं तरन्नम से शेर तो मैं मुशा में शिरकत करता ही रहा शायरी सुनाता रहा लेकिन तरन्नम को मैंने बताओ क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि बाजा अवत शायरी इतनी अपने अंदर वो वकूवत नहीं रखती जिसे तरन्नम जो है उसके ज़रिए उसको पुर करने की उस खला को कोशिश की जाती है आज हम तो आज हम चाहेंगे क्या आपका बनाए आ नहीं आज तो शायद मैं इसके लिए मेरा कोई गला भी ठीक नहीं है मैं किसी अगले मरहल पर करूँगा आपसे बेतकनू तो मैं कह रहा हूँ लेकिन ये ज़रूर है कि शायरी आपको सुनाऊँगा मैं और उसके अलावा बाकी गेस्तों पर तो मैं यज कर रहा था कि मेरे वालद जो हैं उनसे हमने अच्छा फिर दूसरा ये तिलावत करते थे बिलाानागा तलावत करते थे चुनाचे कुरान हकीम से जो शवफ हुआ और जो अलहमदुल्ल अब तक है जिसकी वजह से एक दीनी मिजाज बना उसमें भी हमारे वालिद का हिस्सा है तो फिर इसा ऐसे मिले स्कूल के ज़माने में जिनका अदब मसला था मतलब ये है कि वो सिर्फ रिवायती नौीय के टीचर नहीं थे कि पढ़ाया और उसके बाद बच्चे चले गए वो बायदा तरबियत करते थे चुनाचे हमारे स्कूल के ज़माने में अलामा वली मोहम्मद थे जो बहुत कमाल दर्जे के टीचर थे और उसके अलावा हाफिज बसीर थे जिन्होंने बाद फारसी में एम ए किया उस ज़माने में तो एम ए नहीं किया था लेकिन फारसी नेहत अच्छी जानते थे और उसमें उन्होंने एम ए किया और अरबी और तहसील थे वो दार्लूम हनफिया फरीदिया बशीरपुर के यानी मदरसों में सबसे बड़ा मदरसा था और अभी सबसे बड़ा है मैं ये भी ऐसा दूँ कि मेरी विलादत तो पत्तों की में हुई अच्छा। हाँ और सत्रह सितंबर उन्नीस सौ पचास में मैं पैद पैदा हुआ और मेरे वालद जो थे वो तो मैं बता चुका मेरे नाना जो थे वो हमारा शेख फैमिली से ताल्लुक़ है तो हड्डी और चमड़े का कारोबार था मेरे नाना का अच्छा वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन साहब उनका मुशाह ऐसा ज़बरदस्त था कि वो पूरे बर अजीम में घूमे हुए थे और हमें रंग रंग के किस्से सुनाते जिससे हमारा वो तजस बढ़ा शायद यही है कि फिर मैं ख़ुद बहुत सफ़र किए अपनी ज़िंदगी में और मख्तल जगहों पर रहा तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरी इब्ताई तरबियत में मेरे वालद का ख़ुद मेरी वालदा का और मेरे नाना का बहुत हाथ है अच्छा हम छुट्टियाँ जब होती थी दिलचस्प बात आपको बताऊँ यानी गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी तो उससे अगले ही दिन हम अपनी ननिहाल में पहुँच जाते थे और दो ढाई महीने वहीं गुजारते थे हम यानी हर साल मेन इंतज़ाम ये होता था चुनाचे नाना की सोबत में बहुत बैठे और वो उनको जरबुलमसा बहुत याद थी मुशाहदात उनके बड़े नादिर थे लिहाजा तो वो चीज़ें मैंने तो बहुत जज्ब कि और ज़िंदगी के बारे में एक खास तरह का जाविया नगाह पैदा हुआ वहाँ से फिर जब यानी समझिए कॉलेज के ज़माने में तो कॉलेज में भी हमें बड़े अच्छे इस सा मिले मैं इस्लामी कॉलेज में दाखिल हुआ और इस्लामी कॉलेज का उस ज़माने का डिसिप्लिन जो था वो बड़ा बहुत ज़बरदस्त था यानी कोई तस्वूर नहीं किया जा सकता था कि कोई क्लास आपकी छूट जाए नहीं मिसाल के तौर पे एक दिन पहले नोटिस लग जाता था कि कल मसून हिस्ट्री के प्रोफेसर साहब नहीं आएंगे और उनकी जगह फलां साहब जो है, वो क्लास लेंगे क्लास के ना होने का कोई तसवुर ही नहीं था और डिसिप्लिन इस कदर कमाल दर्जे का था मैं ये समझता हूँ कि मेरे बंदर जो एक डिसिप्लिन की थोड़ी सी खसूसियात पैदा हुई उसमें इस्लामिया कॉलेज के इसाफिस का भी बड़ा दखल है इस्लामिक कॉलेज इधर इन्हें ज़रूर पे दिया फिर मैं बाद में इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन्स में भी दाखिल हुआ लेकिन इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स में मैं अपनी तारीफ मुकम्मल नहीं कर सका माली हालात ऐसी नहीं थी कि मैं कंटिन्यू कर सकता लेकिन उस दौरान में एक बड़ा अच्छा ये हुआ कि मैं अपने आबाई कस्बे बसीपुर चला आया जहाँ से मैंने मैट्रिक किया था और एफ़ मैंने इस्लामिया कॉलेज से किया जैसे मैंने उस किया तो बी के ज़माने में चूँकि हालात ऐसे नहीं थे तो मैं वहाँ चला आया और उसमें फ़ायदा ये हो गया कि मैंने अपने उस्ताद मोहतरम हाफिज बशीरपुरी से फ़ारसी बहुत लग के पढ़ी हालांकि मैंने यानी फारसी यूँ तो चार साल पढ़ी थी अपने स्कूल के ज़माने में लेकिन जो गुलस्त और गूसता मैंने सबकन सबकन उनसे पढ़ी उसका बड़ा फ़ायदा हुआ और उसका नतीजा युवा शादी से भी एक गैरमूली अकीदत पैदा हो गई यानी नाम तो पहले ही अपने वाले से सुन रखा था तो इस तरह ये अच्छा फिर लाहौर में जब आया हूँ मैं और बिल आखिर एक ऐसा मरहला भी आया कि मैं कॉलेज में उस्ताद हो गया एम कॉलेज में और एम कॉलेज में ये वो ज़माना था जब बड़े बड़े मशाहिर जो थे वो एम कॉलेज से वाबस्ता थे मिसाल के तौर पर आप नामों से बूबी वाकफ़ हैं जो स्सा हम जब मरहूम हो गए अल्ला के मसरू शुमाए हम जो थी हम अमजद थे आफीफ़ सिद्दीकी थे और उनसे पहले डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी जैसे लोग जो थे अच्छा तो मैं तो खुशकस्मत हूँ कि अपने लाहौर के क़्याम में और लाहौर में अब तो समझिए दरियन का तीन साल का अर्सा जो मैंने ईरान में बसर किया क्योंकि तीन साल के लिए मैं तहरान यूनिवर्सिटी में चला गया था बतौर विजिटिंग प्रोफेसर और उर्दू एंड पाकिस्तान स्टडी स्टेयर पर मैं गया था तो लेकिन उससे पहले एक जिन लोगों से मैंने बहुत फैज़ हासिल किया उनमें एक बड़ा नाम जो है डॉक्टर बुरहान अहमद फारूकी का है और उसके साथ साथ एक और बुज़ुर्ग थे उम्र में मुझसे बहुत पड़े तो शायद नहीं थे लेकिन फारसी का ऐसा कमाल दर्जे का ौक़ रखते थे और तसवुफ़ के साथ ऐसा लगाव था यानी मेरी मुराद हाफिज अफसल फ़कीर से है उनसे और फारसी का अदब तो घोल के पी लिया था उन्होंने और क्या फ़ारसी क्या अरबी क्या अंग्रेज़ी इन तीनों जबानों पर और पंजाबी उर्दू मितमाम तो कहा उन्होंने लिखा मजामी लिखे बड़े आला दर्जे के लिखे तो इसी तरह शुरा में वसन तैयनपुरी तो के यहाँ बहुत जाना रहा मेरा उनके यहाँ लाहौर में है उनसे भी अच्छा इसी तरह आबिदलीबिद को मैंने इस्लामिया कॉलेज में पहली दफ़ा सुना तो मतलब ये कि ये एक पूरा सिलसिला था तो मैं इस एबार से अपने आप को खुशकस्मत समझता हूँ कि मैंने बड़े बड़े लोगों की आंखें देखी रेजान दानिश के पास बहुत बैठा उनसे बहुत फैज हासिल किया और तो ये तीन चार बुज़ुर्ग जो हैं इनसे मैं समझता हूँ हालांकि मैं उस वक्त इस्लामी वहाँ से एमए कॉलेज के बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गया था लेकिन इन लोगों से बराबर मेरा रबा रहा तसनीफ तो तस्नीफ़ तारीफ़ का सिलसिला हाँ मैं तीसरी क्लास में था जब मैंने एक दो शेर कहे अब अगरचि मुझे याद नहीं है वो शेर लेकिन ये याद बिल्कुल है और, और मैंने अपने उस्ताद साहब को सुनाए तो वो इस पर खुश हुए क्योंकि उनमें वो कोई मिसरा भी वजन से ख़ारे नहीं था और ये तो आपको मालूम है कि शायरी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में एक रिवायती सा जुमला है अगरचे जो मैं आपकी खिदमत पर पे पे पेश करूँगा और जो आपको मालूम है कि पोइट्स आर बॉर्न नाट मेड शायर बनाई दी जाते शायर कुदरत की तरफ से ये शायरी एक ऐसा अतिया है और हकीकत में ये है कि शायरी तो उमुलाफ है तमाम असनाफिस अदब जो हैं उनकी माँ है शायरी और शायरी में जो हकाक है उसके बाद अब एह जदीद में मैं देख रहा हूँ भी एक दूसरी सीन उसमें बहुत मकबूल हो रही है और जिसमें खुद आपने बड़ा आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन है और वो नावल है अफसाना है मिला, अच्छा मेरा तो ये ख्याल है कि शायरी का जो गर्जा हाँ वो वो उसकी कोई वहाँ 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 वह, वह, तक कोई चीज़ नहीं है तो मैंने तो आगा शायरी ही से किया अच्छा और यानी फिर कहता रहा बल्कि मुझे याद है कि एक ज़माने में तो मैंने फ़ारसी में भी यानी एक दो ने कहीं और अपने उस्ताद को सुनाई और उन्होंने अप्रीसीट किया फिर बाद में तो खैर मैं ईरान गया तो ईरान में तो फारसी अदब मैं बुनियादी तौर पर तो आपको मालूम ही है कि उर्दू का आदमी हूँ और मैंने सारी यानी बेशतर ज़िंदगी छब्बीस बरस जो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया फिर सदर शुभा में रहा और ये सब लेकिन तीन साल का अर्सा जो मैंने ईरान में गुजारा वो भी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही प्रोडक्टिव पीरियड है क्योंकि उसमें मैंने ईरान के नहायत मुमताज़ लिखने वालों से रबता रखा और चूँकि फारसी में जानता था तो उनसे मेरी गपशप फ़ारसी में होती थी और फिर सिर्फ ये नहीं ईरान बहुत यानी आप ही समझिए कि शायद बहुत से ईरानियों ने भी पूरा ईरान नहीं देखा होगा पूरा ईरान तो खैर मैंने भी नहीं देखा लेकिन तीन चौथाई ईरान मैंने देखा यानी मशरक़ मगरब शमाल जनूब सब मैंने बड़े बड़े शहर और बड़ी बड़ी जगहें और उनके बड़े बड़े लिखने वाले उनके नक्ाद उनके शायर उनके महक़ उनसे मेरी मुलाकात तो जी। हाँ ये आपकी दो बड़ी मोहब्बतें जी इन पे आपने बहुत लिखा किताबें भी आपकी जी 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 तो इनके किताबों का अब किताबों पे कुछ बात कर जी जी, जी 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 किताब कब से भी उसके बाद फिर जी जी मैं ऐसा करूँ कि इकबाल पे तो मेरी पहली किताब जो थी वो दिहात इकबाल थी और वो देहात इकबाल सन दो में छपी पहली दफ़ा डॉक्टर वहीद कुरैशी साहब ने शायद की उसके बाद तीन चार किताबें मेरी और हुई मसलन इकबाल चन्न अबाहस उसके बाद शाइ हुई उसके अच्छा इस दौरान में एक अजीब बात हुई कि मैं मुझे मालूम हुआ कि ने एक अंग्रेज़ी में आर्टिकल बेदिल और बरगसां के तकबुल पर लिखा था चुनानचे इकबाल म्यूज़ियम से वो आर्टिकल मुझे मिला और वो अंग्रेज़ी में था और शिकस्त अंग्रेज़ी में था इतफ़ाक से इस वक्त वो किताब मेरे पास नहीं है छपा दी नहीं और नहीं छपाता यानी आप ये समझिए मैंने उसका सन मतिन किया है कि वो गुमान ये है कि उन्नीस सोलह में एम ने लिखा क्योंकि ये वो ज़माना था जब वो अदबी तस्वूफ़ के हवाले से और उसके मनफी असरा पर गफ्तू कर रहे थे तो ये बेतल इन द लाइट ऑफ बर्खशाँ उनके हाथ के अड़तीस पेजेस हैं और वो अड़तीस पेजेस ना सिर्फ मैंने महफूज कर दिए बल्कि उनका उर्दू में तर्जमा तो भी किया पहले पहले तो उन्हें अंग्रेज़ी ही में एडिट किया मैंने उस पर एक मुफसल रिवाचा लिखा उसके बाद लेकिन साहब वो मैं समझता हूँ कि इकबाल की अमली तनकीद का एक ही बड़ा नमूना है वरना इकबाल ने इस तरह मजामिन नहीं लिखे इकबाल का तो क्यों नहीं क्या, क्या, क्या वजह मेरा ख्याल ये इकबाल की बहुत सी चीज़ें उनके ज़िंदे हैं ये मैं घुमाई ये वाक़ा है चुनाचे आप देखिए जब बागे ज़रा उन्होंने शाइ करने का इरादा किया तो अपने बहुत से दोस्तों को ख़त लिखी है कि मैं, मेरा ये कलाम जो है मैं उनको मुंजमित अंदाज में महफूज नहीं किया मैंने तो कई चीज़ें मेरे पास नहीं हैं तो आप मेरी मदद कीजिए इसके बावजूद बास बड़ी अहम नजमें जो थी वो आ, यानी उनके मजमू में वाग्रा में शामिल नहीं हो सकी अब रहा ये मामला चूंकि इकबाल से शगफ तो मेरा समझिए लड़कपन से था तो इसमें फिर इकबाल चंद ने मेरी दूसरी किताब आई तीसरी किताब यही जिसकी तरफ मैं इजाया कर रहा हूँ बेदल इन द लाइट ऑफ बर यही किताब है जिसका बाद में एक ईरानी ने तर्जा किया डॉक्टर अली बयात ने और वो तर्जम अभी तीन साल चार साल पहले तहराम से भी शाए हो गया है हकीक़त तो हैरत के नाम से तो इकबाल को तो मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे आ, सिर्फ मिलत इस्लामिया का शायद नहीं है अज़ीम का शायद नहीं है वो तो एक आफाक़ी शायर है चुनाचे वो मुझे याद आता है कि एक अमरीकी ने विलियम ओ डगलस उसका नाम था विलियम ओ डगलस उसने अपनी यानी एक जगह लिखा उसको कोट किया है मलिक ने कहते हैं कि दो इकबाल वज़ सन ऑफ़ पाकिस्तान वे ऑफ अमेरिका ऑन सो क्लेम हिम तो आप अंदाजा लगाइए हकीकत ये है वो जो इकबाल ने कहा है कि एक बलवला अदाज़ा दिया मैंने दिलों को लाहौर से के बुखारा और समरकंद ये मामला सिर्फ़ लाहौर से समरकंद और बुखारा तक नहीं रहा पूरी दुनिया में चुनाचे इकबाल का एतराफ़ कितना हुआ देखिए आपको याद होगा कि नोबल प्राइज़ ये दोनों आसर थे नावन रविंद्रनाथ टैगोर और इकबाल लेकिन इकबाल को उनकी ज़िंदगी में नोबेल प्राइज़ नहीं मिला टैगोर को मिला लेकिन आज आप देखिए टैगोर कहाँ हैं और इकबाल कहाँ हैं इकबाल जिस तरह जिस मामूली अंदाज़ में अपनी असरी सूरत हाल के साथ जुड़े हुए हैं उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है तो लिहाजा इकबाल तो मेरा पैशन था तो मैंने इकबाल पे लिखा अच्छा इस सिलसिले में जो ताज़ा तरीन किताब है जो दो हज़ार इक्कीस में शाये हुई वो दो हज़ार में गालिबन कोरोना आया ऐसा ही है ना उन्नीस इक्कीस में, में रहा अच्छा उस दौरान में फुर्सत बहुत थी और मैं मजद्ध से वाबस्ता था बताओ डायरेक्टर तो वहाँ तो अब जा नहीं सकते थे आपको मालूम है छुट्टियाँ हो गई लोग घरों में बिल्कुल मुकैद और मैसूर हो गए मैंने मेरा एक जैसा था कि मैं ये इतनी बड़ी किताब है बाल की कर गर्द एकवाम शर्क ए मछर की कौम कौम अब तुम्हें तो क्या करना चाहिए चुनाचे मैंने उसका मंजूम तर्जुमा जो पहले मैं उसके दो हिस्से कर चुका था और ये मेरी दूसरी किताब जो शायरी की है ये किताब है शाख़ ज़रियाब तो शाख ज़रियाब में उसका कुछ हिस्सा शामिल किया था मैंने कहा ये पूरी किताब है मैं क्यों ना तरजा करूँ लिहाजा मैंने वो पूरी किताब यकीन फरमाइए बीस दिन के अंदर वो तरजा मुकम्मल हो गया था मंजूम मंजूम किया और आज़ाद नज़म किया चूँकि मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी शायरी जो होती है ना जो बड़ी शायरी होती है वो काबिल तरज होती नहीं है उसको अगर कोई चीज़ सहार सकती है तो वो पाबंद नज्म भी नहीं सहार सकती वो आज़ाद नजम सहार सकती चुनाचे मैंने ना यानी नजम आज़ाद से काम लिया और उसका मनजूम आज़ाद तर्जमा किया मैंने और अलहमद वो किताब भी पढ़ी जा रही है और मकबूल हो रही है आपने गालिब का जिक्र किया है अब मैं गालिब के सिलसिले में कर दूँ एक ज़माने में ये हुआ कि कियद अजम लाइब्रेरी लाहौर की जो है वहाँ एक साहब थे इल्कम इनाम हक वो गालिब के आशिक थे और अंग्रेजी अदवियात में मास्टर किया हुआ था उन्होंने और अंग्रेजी अदब को तो बहुत ही वो पढ़ते थे लेकिन उसके साथ साथ से उन्हें गैर मामूली मोहब्बत थी फिर आज उस ज़माने में उन्होंने वहाँ का लाइब्रेरी में डॉल डाला हर पंद्रह फरवरी को पंद्रह फरवरी चूंकि उस मेरी गालिब का जो विवाद था तो उस दिन व दो तीन लोगों को बुलाते और मुझे भी उन्होंने दावत दी कि गालिब के सिलसिले में तुम बातें तो करते रहते हो तो कुछ लिखे भी चलान जी मैं हर साल वहाँ एक मकाला पढ़ता था मुझे याद है एक एक मकाला पढ़ा तो उसमें सदारत शाह के आसाफ़ के थे और मेरे लिए ये शर्फ़ है क्या शाह ने सुना इसी तरह डॉक्टर वहीद खुर्ैशीद ने और डॉक्टर मोीन रहमान थे गवर्नमेंट कॉलेज के वो आते थे वो मस्कून पढ़ते थे मैं पढ़ता था वो इतने मजामी हो गए ऐसा नहीं है उसके बाद भी मैंने लिखा लेकिन गालिब के बारे में मैंने एक काम ऐसा अलबत् किया जो जिस पर कोई ताली नहीं है हकाक है जो बयान कर रहा हूँ असल में गालिब की उर्दू शायरी पे तो काम हुआ और बाद जहतों में बड़ा अच्छा काम हुआ गालिब की फ़ारसी शायरी को लोगों ने नज़रअंदाज़ कर दिया मैंने गालिब की फ़ारसी शायरी को मौजू बनाया इसलिए कि अब फारसी आपको मालूम है पाकिस्तान के लिए और पूरे सब कॉन्टीनेंट में अब वो एक लगत ग़रीब है उसकी तरफ ध्यान नहीं है लोगों का लिहाजा मैंने उन उनकी उन जहतों को नुमाया किया जिन जहतों की तरफ हमारे गालिब आम तौर पर उनकी तवजो नहीं हुई तो अनंत ला ये किताब मेरी गालिब इंस्टिट्यूट देने से भी शायद हो गई बल्कि उसमें मैंने एक मजमून का इजाफा भी किया और वो एन मेरी शमिल से मतलब था एन मेरी शिमल शमिल बैसीत गालिब शनाज तो उसमें मैंने जहाँ उनकी तारीफ़ की तोसीफ़ की वहाँ उन उनसे जो गलतियाँ और खामियाँ हुई और जो लफ्जिशें हुईं उनको भी नुमाया किया मैंने तो अलहमदिल्ला इसी तरह एक कंट्रोवर्सी चिड़ी थी लाहौर में नुस्त ख्वाजा के हवाले से जो रहमान साहब ने एडिट किया था और जो नुस्खा खाजा नहीं था असल में नुस्खा ला और ही था और पंजाब यूनिवर्सिटी में था वो मखतूता था जिसको उन्होंने शाइ कर दिया उस पर एक कंट्रोवर्सी जिसमें मैंने एक मुश्किल किताब लिखी और उसका नाम था दीवान गालिब नुस्ख़े खाजा असल हक तो ये बहुत रहा एक हंगामा रहा यानी इस हवाले से भी और गालिबा बात है जैसे इकबाल एक, एक बड़े शायर हैं गालिब भी अदब्याशा बड़े शायर हैं और उनका वो शेर तो जनाब ऐसा है शेर तो कोई एक नहीं है ऐसी शेर हैं लेकिन वो शेर तो ऐसा कमाल का है कि जो मैं समझता हूँ गालिब के बहुत मामूली शोर का पता देता है उसके उसके यानी फलसफा ज़िंदगी का पता देता है और ये इस कायनात से बियॉन्ड का एक तस्वर जो है ना गालिब के है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यार हम हमने दस्तेमका को एक नक्शे पा पाया तो डॉक्टर आपकी शख्सियत का एक और बैठ जी बात करेंगे उसके बाद फिर आपकी शायरी जी 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 वो बच्चों की आपने जो हाँ से उर्दू में तर्जमा किया तो मतलब देखा था ये किताबें जी जी हाँ मसून ये किताब है ये मसून सबसे पहली किताब जो मैंने तर्जुमा की ये है बेजबानों की जबानी हमत भरी कहानियाँ मेहदी मेहदी आज यदरी की अभी मैं 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 थोड़ा सा तारुफ है ये तीनों किताबें मेहदी आज यस्दी ही की हैं जो मैंने तर्जुमा की ये है अच्छे बच्चों के लिए अच्छी कहानियाँ तो फारसी से ये भी फारसी से है अच्छा और तीसरी किताब जो है बल्कि चौथी किताब भी थी आ, आ, वो थी रंगीला गीदड़ और दूसरी कहानियाँ वो मुशरफ अली फ़ारूकी हमारे दोस्त हैं उन्होंने और की और ये चौथी किताब है फजूल बंदर और दूसरी कहानियाँ ये कैसे अच्छा मैं मैं यही यूज करता हूँ पर सब सूरत हाल ही है मैं ये महसूस किया कि मैंने तहकीक में भी काम किया अब्दुल अब्दुलमाजदादा पे डॉक्ट्रेट किया और कितनी किताबें उनकी तदवीन की फ़ारसी अदब में आ, तो आपको मालूम ही होगा अमीर मिलाई का फारसी दीवान वो एक सौ दस साल बाद पहली दफ़ा मैंने शायरी किया वो मखतूता था इस तरह के कितने काम किए अच्छा जो बड़ों के लिए थे तो मैंने ये सोचा कि क्या बच्चों का को कोई हक़ नहीं है अच्छा अब मैंने शायरी की एक की चीज़ है अच्छा मैंने कुछ एक दो सफरनामे भी लिखे जो छब भी गए मुस्लिम मॉरिशस का सफरनामा दो हज़ार सोलह पंद्रह में मैं तो मैंने कहा बच्चों का तो मैंने हकी अदा नहीं किया क्या मेरा फ़र्ज नहीं था और जो कौम अपने बच्चों की तरफ से गाफिल रहती है और उनकी तरबियत नहीं करती और उनकी अदबी तरबियत नहीं करती जो असल में अदबी तरबियत ही नहीं है एक किरदार की तरबियत में लिहाजा अपने कयाम ईरान के दौरान मैं बी एस फोर के तलब इमों को अदब शिफाही पढ़ाता था उसे कहते थे दास्तान शिफाही यानी दास्तान जो बयान की जाती है यानी ओरल ट्रेडिशन के तौर पे तो मैंने सोचा कि इतफाक से उन्हें दिनों मैदान इनकताब में गया तो मैंने मैदी यादव जज्दी की कुछ किताबें देखी उनमें एक किताब थी कि सहाय ये खूब बड़ा ये बच्चा हा ये खूब अच्छे बच्चों के लिए अच्छी कहानी अब जब मैंने पढ़ना शुरू की मैंने कहा ये तो कमाल दर्जी की किताब है लिहाजा मैं इतफाक़ से मुझे यानी हफ्ते में शायद तीन या चार दिन में जाता था एक आध दिन छुट्टी होती थी और मेरी ड्यूटी तो होती थी लिहाजा मैं शाम को खाना वाना खा के बैठता और वो किताब खोल के बस छोटी छोटी कहानियाँ तो मैंने ये कि नशस्त में तर्जमा कर दी मैं जब दो हज़ार पाँच में वहाँ गया दो हज़ार पाँच से दो हज़ार आठ तक मैं तीन साल तहरान में रहा तहरान यूनिवर्सिटी से वापस रहा और लिहाजा मैं तर्जुमा करना शुरू किया तो वो होते गए अच्छा इसी दौरान तो मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि मैं लिजा तो ज़िंदा है मैंने उनसे फिर जस्त में वो रहते थे तो उनसे रबा किया यहाँ से सेफी ने कमाल ये किया कि फ़ारसी का जो क्लासिकी अदब था मसलबान नामा अच्छा इसी तरह उस नामा जो कहानियों के बेमिसाल मजमू हैं और जिनकी आलमी शहरत है उनको बच्चों के लिए लिखा और लिखा इस तरह कि आसान लेकिन जदीद फारसी में और उसकी दर्जाबंदी कर दी कि माइमरी छठी जमात तक के बच्चों के लिए कौन जिसे हम कहते हैं ग्रेडिशन उसकी बायदा और ग्रेडेड वोकेबलरी और ये सब कुछ को सामने रख के उन्होंने ये काम किया और मैं इतना मुतासर हुआ और आप हैरान होंगे कि बाज़ किताबें उनकी बिला यानी जिस वक्त मैं वहाँ था कोई डेढ़ डेढ़ लाख छप चुकी थी किताब उनकी इस कदर मकबूब था तो मैंने काबूस नामे माफ़ कीजिएगा मरजबान नामे का तो तर्जा उर्दू में मैंने ही किया पहली दफ़ा मर नामा बहुत बड़ी किताब है वह मुश्किल किताब है लेकिन उसको बच्चों की सतह पर उतर के जिस खूबसूरती से और नए ज़माने के साथ हम आहंग करके मेहदी ने ये चीज़ें लिखी वो बिल्कुल यानी बहुत तजर्बा ही बिल्कुल हैरानकुन है, है, था मेरे लिए तो मैंने फिर ये लाहौर आया तो फिर मैंने कभी जीना लगा किसी संजीदा मताले को जो तो मैंने कहा कहानियाँ पढ़ते हैं बड़ी कंट्रीब्यूशन तो यकीन फरमाइए इतनी मकबूल हुई है ये कहानियाँ कि इनके तीन तीन चार चार एडिशन शाये हुए और ये किताब जो है ये मरजबान नामा है और और ये इसके तीन एडिशन शाये हो चुके बेजबानों की जबानी के चार एडिशन शाये हो चुके अच्छा ये भी किताब जो रेड्यूज छापी अच्छा अब किला में ये तकरीबन तो मरहल ख़त्म होने वाली होगी ये भी कोई हज़ार बारह सौ किताब छापी उन्होंने तो मैंने सोचा कि ये काम भी तो करना चाहिए और ये इतनी मकबूल हुई कहानियाँ आप यकीन फरमाइए कि बाज़ बच्चों ने इन कहानियों को पढ़ के मेरा नाम तो आज़ु कर दिया अपने नाम से अखबार में दी कहानी अच्छा तो ये भी तो ये बड़ी मकबूल चीज़ें हैं जी ये भी तो मैं मैं आजादी बड़े खुश थे अच्छा ये किताबें इनमें से दो एक किताबें तो नेट पे भी हैं जब यानियों को पता चला और ये मैं आप से कर दूँ ये किताब जो मेरी है बेजबानों की जबानी ये पिछले समय नहीं लीजिए पंद्रह सोलह बरस से ये बी एस फोर के निसाब में निसाबी किताब के तौर पे शामिल है जिसको बाकायदा पढ़ाया जाता है वहाँ तो इसी तरह मैं एक बात और भी यर्ज़ कर लूँ ये जो मैंने अमीर मीनाई का फारसी दीवान किया मुरतब अब मुझे वहाँ एक साहब है अब दिल्वी मैं वहाँ दिल्ली में कई दफ़ा गया हूँ मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में वैसे तो दुनिया के कई मुल्कों में गया हूँ लेकिन इंडिया तो मैं छः दफ़ा जा चुका हूँ तो ये 2016 की बात है कि उन्होंने मुझे वो मुझसे मिले तो मुझे कह लगे कि बराबर साहब मैं आपकी कुछ किताबें छापना चाहता हूँ मैंने कहा छापी भाई कि आपकी शराय मैंने कहा तो मेरी क्या शस्त है भाई इंडिया के साथ हमारे आपके साथ कौन से ऐसे ताल्लुक हैं कभी कभार आना होता है कभी वीज़ा नहीं मिलता कभी मिलता है तो जाहिर है एक महदूद वक्त होता है तो मेरा कोई तक आजा नहीं है तो मैंने कहा हाँ अलबत्त यह ज़रूर की कि जब किताबें छप जाएँ तो उनके नुस्खे खुद मुझे भेजिए चुनाचे मेरी इकबाल किताब इकबाल दीदा बिनाई कौन दिल्ली से छपी इसी तरह हसन कुज़ागर जो है ये देरी से जब भी इसी तरह दीवान अमीर मिलाई जब उन्होंने कहा ना मुझे तो मैं इसको महंगा भाई भाई कैसी बातें आप करने हैं ये फारसी में है फ़ारसी हमारे मुल्क में अब पढ़ने वाली ना होने के बराबर हैं तो आप ही क्या करेंगे कहने के आप मुझे इजाज़त दें अभी छः महीने गुजरे थे उनका फ़ोन आया कहने फिर आजी साहब मुबारक हो मैंने कहा किस बात की क्या के ना कि आपकी किताब जो है ये दीवान अमीर के है। नहीं बिग ना सिर्फ बिग गई है बल्कि जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी के फारसी के निसाब में शामिल हो गई है तो अलहमदिल्ला मेरी कुछ किताबें इंडिया से भी शायद हुई जापान से भी हुई अच्छा इसी तरह ईरान से हुई तो अल्लाह का फसल है उसकी रहमत है जी जी नसल में या नज हाँ मैं नसल में तो सिर्फ जी जी चूँकि इकबाल का आपने जिक्र किया था तो मैं एक दो बातें यानी आपको कुछ सुना देता हूँ अपने मजामी से मुख्य से और दूसरा ये है कि ये मेरे तमकीनी मजामी का मजमु निकात जो दो हज़ार अठारह में शायद हुआ तो इससे भी मैं एक इकतवास और फिर शायरी तो मैं सुनाऊँगा ये आपको वो आप नहीं भी सुनेंगे तो सुनाऊँगा आपको <laughs> बड़ी बाबत तो ये मैं ऐसा करता हूँ ये मजमून जो है ना जी ये इकबाल पर जो है लिखा इसको मजमून कानवान है इक्सर नामी इकबाल दीदा बिना कौम है तो मैं अर्ज़ करता हूँ इकबाल की गैरमूली बसीरत और उनकी कमाल दर्द दर्दबंदी का मौजूद तरीन मजहर उनका साल नौ का वो पैगाम भी है जो उन्होंने अपनी वफात से सिर्फ साढ़े तीन माह कबल लाहौर रेडियो स्टेशन के ज़रिए नशर किया पैगाम के आखिर में इकबाल ने एक अवधि सच्चाई की तरफ इशारा करते हुए मुतरब किया था उन्होंने फरमाया याद रखें इंसान इंसान का बाहमी एहतराम करके ही इस धरती पर सलीके से ज़िंदगी बसर कर सकता है देखिए क्या क्या मत था और कितनी इंसान दोस्ती ये दुनिया इस वक्त तक उस वक्त तक खौफनाक दरिंदों की आमाजगा रहेगी जब तक पूरी दुनिया की तालीमी क़वतें इंसान में इंसान के एहतराम की रूह न फोंकने सिर्फ एक वतिल अतमाद है और वो है वोत इंसानी जो नस्ल वतनीयत रंग और ज़बान से मावरा है मैंने आगे लिखा है कि इकबाल के पैगाम में उनकी रूह की गर्मी और ईकान की रोशनी शामिल थी दुनिया में जहाँ कहीं भी ऐसी रोशनी होगी वो इकबाल के नूर बसीरत से यहाँ मिलेगी क्योंकि रोशनी रोशनी की हरीफ नहीं होती है ये अकतबास छोटा सा इकतबाश और सुनाऊँगा आपकी अगर इजाज़त तो बिल्कुल बाल ने दानश हाज़िर की कोता नजरी का मातुम कहाँ कहाँ नहीं किया बालि जब्रिन में फरमाया ताज़ा फिर दानश हाज़िर ने किया सहर कदीम गुज़र इसद में मुमकिन नहीं बेचोब कदीम जब तक दानश हाज़िर और उसके औज़ा यानी मादा मादापरस्ती जाबी यूल माशी इसल और माशरती नाहमवारियों और दीगर समाजी फिक्री और रूहानी मफासद का अलमनाक मंजरनामा नौ इंसानी की निगाहों से कामिलन हट कर मलिया मेट नहीं हो जाता और जब तक इश्क और उसके तरह अंगेज़ियाँ लौ काय से महव नहीं हो जाती इकबाल के फिक्र जज्बा की असरी मानवीयत बरकरार रहेगी उर्दू फ़ारसी का ये बेमिसल शायर कोस्तान ख्याल का ये महराब गुल ये फर्जी नाम तो जो इकबाल ने रखा अपना नाम हमारी किश्त जा में इश्को मस्ती के फूल खिलाता रहेगा और फ़िक्र फलसफा का ये मीर नजात नक्शबंद ये भी फर्दी नाम है जो इकबाल ने अपने लिए खुद रखा अपना नाम हमारे लिए नए नज़ाम आदम और नए आदम के ूर के नक्शे और ख़ाके मरतब करता रहेगा कि इस मेर नजात के सीने को साहिब नजरों ने एक ऐसा तजनजार बना दिया था जिसकी मिसाल हमारी कई सदियों की शायरी में ढूँढ़े से नहीं मिलेगी मेरे दो मजमूे तो शाइर हो चुके नक्शे अवल्ला आपको मालूम है शाख ज़रियाब बल्कि ये शाख ज़रियाब का तो अब तीसरा एडिशन अगले चंद दिन में छप जाएगा अच्छा और आज भी शायरी पढ़ी जाती है जी पढ़ी जाती है अलहमदिल्ला और दूसरी बात मैं अर्ज़ करूँ ये पूरी शाख ज़रियाब की शायरी जो है ये जाम अजहर में एक मिसरी खातू ने इस पूरी शायरी का शाख ज़रियाब का अरबी में तर्जमा किया है और उस पर हवा भी निकी है और वो उनका एम फिन का मौजू था जो मुझ तक भी पहुँच चुका है और बड़ा अच्छा तर्जमा किया उन्होंने तो नक्शे अमल मेरा पहला मजमू था ये दूसरा मजमू है और तीसरा मजमु जो इस वक्त प्रेस में है वो चिराग सब्ज़ के नाम से है तो मैं इन तीनों से दो दो तीन तीन चीज़ें चार चार चीज़ें आपको सुनाऊंगा सबसे पहले तो मैं नक्शे अव्वल की शेयर आपकी खिदमत में पेश करता हूं और नाजरीन की खिदमत में पेश करता हूं मैं हर एक बात कहां कहां नहीं भूलता मगर एक शामी फिराक जहाँ नहीं भूलता वो जो रोज़ देता सा सुबह नाव की बशारतें वो हवा का मौजा मेहरबान नहीं भूलता वो जो चरखे जहाँ पे बस एक पल को जला भुजा वही एक शहाब शरण निशा नहीं भूलता कभी ख्वाब में कभी रत जगों के अजाब में वो सितारा ए सर के कश नहीं भूलता एक और ग़ल है नज़र से है और दुबदू पुकारता है ये कौन है जो मुझे चार सू पुकारता है न उससे रिश्ता जहाँ है न उससे रबत नजर तो किस लिए उसे मेरा लहू पुकारता है और अजीब शहर शिकम मस्त में गिरा हूँ जहाँ हर एक सिर्फ कुलू व पुकारता है ये किसकी नज़र सिफ़त लजा को चीरती है ये कौन दिलजदा रातों को हु पुकारता है मुझे देखिए सदाएँ सलब हुई किस मकाम हैरत पर कि मैं पुकारता हूँ और न तू पुकारता है सदाएँ सलब हुई किस मकाम हैरत पर कि मैं पुकारता हूँ और न तू पुकारता है और लिखी है दश्त नवर्दी नसीब में फिर से कोई उसी की तरह हो बहू पुकारता है लिखी है दश्त नवर्दी नसीब में फिर से कोई उसी की तरह हु बहू पुकारता है अब ये दूसरा मजमू जो शाख दरियाब है इससे कोई कुछ चीज़ें आपकी इजाज़त से अच्छा ये गज़ल जो मैं सुनाने लगाऊं ये तो अमजद परवेज़ साहब ने गाई भी है और बड़ी मकबूल हुई ये गज़ल तेरी गली में गए कितने माहूसाल हुए उधर गए तेरी मौसम हमें बहाल हुए और ज़बा में थी अभी लुकनत के हर फश कहा ज़बा में थी अभी लुकनत के हर फश कहा लड़क बना था कि जंजीर ख़्दाल हुए मैं मुस्कुराता रहा और मुस्कुराता रहा सवाल मुझसे सवाल मुझ, मुझ पर कई मेरे हँसपे हाल हुए नहीं कि को हो कनो कैस का ज़माना नहीं मगर ये बात कि ये लोग खाल खाल हुए और ठहर गया सवानीजे पे आन कर सूरज गुज़र गईं कई सदियाँ हमें बहाल हुए माँ माफ कीजिएगा गुज़र गईं कई सदियाँ हमें जवाल हुए फिर उसकी याद ने दस्तक दिले हजीम पर दी फिर आंसुओं में नहा उसके खद्द खाल हुए और मिसाले नक्शे कफे पा न उठ सके ते बरंगे सब्जा हमें इस दर्जा पाए हुए एक और करता हूँ कि चलो हुआ तो मेरा उसका साथ आखिरी वक्त अब जा रहा हिंदी में साथ को साथ भी हिंदी है साथ भी हिंदी है थे के साथ यानी थे के साथ नहीं क्योंकि इसके कार कवाफी आ रहे हैं साथ सवात शब्बरात वगैरह चलो हुआ तो मेरा उसका साथ आखिर वक्त मिला हयात को कुछ तो समात आखिर वक्त इधर छुआ जो मेरा उसका हाथ आखिर वक्त चिराग जल से उठे शब्बरात आखिर वक्त और हजार दिल की तहों में उसे छुपा के रखा जवाब आ ही गई दिल की बात आखिर वक्त और पे आ ही गई दिल की बात आखिर वक्त प्याला टूटा हुआ आँख खूब बहाती हुई ये थी फकीर की कुल कायनात आखिरी आखिर वक्त ये थी फकीर की कुल कायनात आखिरी आखिर वक्त और तमाम उम्र अंधेरों में कट गई है हाथ फिर गई इश्क जला भी तो रात आखिर वक्त एक गज़ल के तीन चीज सिर्फ सुनाऊँगा बहुत से सैले हवालस की जद पे बह गए हैं ये चंद एक दरख्तान सब्ज़ रह गए हैं बहुत से सैले हवालस की ज़द पे बह गए हैं ये चंद एक दरख्तान सब्ज़ रह गए हैं और उसकी आय कि परिंदगा तुम्हें कुछ भी ख़बर ना हो पाई परिंदगा तुम्हें कुछ भी ख़बर ना हो पाई दरख्त ढह गए अंबारे आप बह गए हैं अब हार अब की जो गुज़री तो फिर ना आएगी बाहर अब की जो गुजरी तो फिर ना आएगी बिछड़ने वाले बिछड़ते समय ये देञे. कह गए फिर गुजरी तो फिर ना आएगी उच्च अनजान किसी मोड़ पे खो सकता है हादसा कोई भी इस शहर में हो सकता है कुछ अनजान किसी मोड़ पे खो सकता है हादसा कोई भी इस शहर में हो सकता है खुद कुआं चल के करे तशना दहानों को गरीक ऐसा मुमकिन है मेरी जान ये हो सकता है खुद कुआं चल के करे तशना दहानों को गरीक ऐसा मुमकिन है मेरी जान ये हो सकता है और कतल से हाथ उठाता नहीं कातिल न सही खूह से लिछड़े हुए दो हाथ तो धो सकता है और झूम कर उठना झूम कर उठता नहीं खुल के बरसना कैसा कैसा बादल है कैसा बादल है कि हंसता है न रो सकता है और जो मेरे रिश्ते अनफा से ग्रे गिर में कौन गुहारे अशके बार पे रो सकता है तो अब मैं एक नज्म सुनाता हूँ और उसका है ख़बर वैशत असर थी खबर वैशत असर थी उसे ऐसा लगा उसे ऐसे लगा जैसे ज़मीन पाओ के नीचे से सरकती जा रही है तमक सातों के सातों आसमां के उसके सर पर आ गिरे हैं एक धमाके से नजर के सामने हद्दी नजर तक एक काली धुंध के मंजर शिकन पर्दे जमी से आसमां तक तन गए हैं हवा के पाँव में मन मन की जंजीरें पड़ी हवा के पाँव में मन मन की जंजीरें पड़ी हैं उधर दिल को टटोला तो लगा ऐसे कि जैसे आसमां की बुसतों में कोई तैयारा घिरा हो आंधियों में और गिरदाबे हवाई में मुसलसल पै बपे खाता हो अचकोले इधर चेहरे को देखा तो लगा ऐसे कि जैसे इस किताबे ज़िंदगी से सारे हरफों की चमकती रोशनाई उठ चुकी हो खिश ऐसी थी सीने में कि जैसे कोई कांटेदार झाड़ी पर मुही मलमल मल को बेदर्दी से खींचे और तार उतार कर डाले खालिश ऐसी थी सीने में कि जैसे कोई कांटेदार झाड़ी पर मुही मलमल मल को बेदर्दी से खींचे और तार उतार कर डाले लो सारे बदन का खिंच के आँखों के शिकस्ता जावमीना से टपकना चाहता था उसे इस हाल में देखा तो आई नहीं चटक कर रेजा रेजा हो गए और आरजू के इस बहिश्त आबाद की सब चीज़ें अपने अपने मरकज से लगी हटने फलक को चूमने वाले कलस और कुंगरे पल भर में मट्टी चाटते थे और धरती की शिकस्ता जा बजा कट जाने वाली सर्द रेखाओं में अपने ठोकरें खाते मुकद्दर ढूंढते थे दरख्त अपनी जगह से हिल गए दरख्त अपनी जगह से हिल गए और उनकी शाखों पर लदा सब गुर पल बनने से पहले झड़ गया हर शे पे वहत थी खबर ही इस कदर वह असर थी सुना है जब दिलों की लहलाहाती खेतियाँ बर्बाद होती हैं तो ऐसे दलदले आया ही करते अब इसकी मेरे ताजमे शिकस्ता दिल मुझे करती भला क्यों हार मेरी कीकत में है जब मेरी अना सरदार मेरी कोई भी जब मेरे दरियाए मानी में न उतरा मुझे खुद साथ अपने ले गई मजधार मेरी कोई भी जब मेरे दरियाए मानी में न उतरा मुझे खुद साथ अपने ले गई मज मेरी मेरा रखने को दिल उसने किया ये सब तमाशा वगरना कुछ मदद उसको न थी दरकार मेरी और नथा मारूम ये अंदर से खाली हो चुकी है तेरे कदमों पे एक दिन गिर गई दीवार मेरी नथा मारूम ये अंदर से खाली हो चुकी है तेरे कदमों पे एक दिन गिर गई दीवार मेरी और मसीहा से अगरचे कुछ मुझे नस्बत नहीं है मेरे कंधे पे रहती है हमेशा दार मेरी और अगरचे माँ को पिछड़े एक जमाना हो चुका है मगर है आज तक उसकी दुआ हमकार मेरी और शेर देखिए कि हवाए ताज़ा उड़ा लाई अचानक कई दिन से तबीयत थी बहुत बेजार मेरी खुदा का शुक्र वाजिब हो गया पहले से बढ़कर कि पहले से ज़्यादा हो गई रफ्तार मेरी और खुदा का शुक्र वाजिब हो गया पहले से बढ़कर कि पहले से ज़्यादा हो गई रफ्तार मेरी और अब क्या है आखिरी विश्वा मालूम नहीं है मैं भूल गया हूँ इसमें भी नहीं है बाहर हाल और अब एक नज़म मेरा ख्याल सुनाऊँ और इसका नजम का वनवान है दोहाई आपको मालूम है हसन बसरी बहुत बड़े सूफ़ी थे और उनके ज़माने में क्या सूरत हाल थी उसका एक नक्शा खींचा है और उसका तकबुल फिर लाहौर से किया है हसन के अहद का बसरा मुनाफिक दो से भर गया था हसन के एहद का बसरा मुनाफिक दोगों से भर गया था और इस दर्जा के वो बदबخت अगर वो शहर तज देते तो हर सू का आलम देखती आंखें मैं फिर एक दफ़ा रखता हूँ हसन एहद का बसरा मुनाफिक दोगों से भर गया था और इस दर्जा के वो बदबخت अगर ये शहर वो नहीं अगर ये शहर तज देते तो हर सूह होगा आलम देखते आंखें इधर लाहौर में भी सूरत अहवाल इससे मुख्तलिफ हरगिज नहीं है डॉक्टर तहसीम फराकी साहब से बहुत ही शानदार और बख्श बातें होंगी अगली हम नशित फिर किसी ऐसे ही साहिब बसीरत सा के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए